नमस्कार, मैं हूं अमोल और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे वीकेबी के आज के इस खास प्रोग्राम में। एक खास मेहमान है जो दिमाग से बहुत ज़्यादा तेज़ है और सबसे खास बात, घोड़ों और हाथियों के साथ खेलता है। आप कहेंगे भैया ऐसा कौन है, और सबसे खास बात उसे इसमें महारत भी हासिल है। तो ज़्यादा सोचिए मत, आज हमारे साथ संकल्प गुप्ता है। और सबसे खास बात, संकल्प के साथ हम बहुत सारी बातें करने वाली, और हाल ही में उन्हें वो किताब मिला है जिसके लिए मेरे ख्याल से हर चेस खेलने वाला है। जी हाँ, जो हाथी और घोड़ों के साथ खेलता है हर कोई चाहता है कि वो किताब उसे मिले। तो बहुत बहुत स्वागत है संकल्प आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, कई सालों से खेल रहे हो और ऐसा कहते हैं कि ग्रैंड मास्टर का किताब मिलना एक बहुत बड़ी बात है। और आई एम नॉट रॉन्ग तो 71 ना, 70 बिल्कुल, तो वो वाला किताब मिला। और सबसे खास बात, ट्वीट भी किया विश्वनाथ आनंद ने, जिनके लिए सब मेरे ख्याल से एक इंस्पिरेशन है जी। तो कैसा लगा, पहले तो इसी सवाल का जवाब दो। थैंक यू सर। जब सर का ट्वीट देखा तो बहुत अच्छा लगा, मोटिवेशन मिला और आगे अच्छा करने का, और अभी वही प्लान है और प्रैक्टिस करके और अच्छा करने का। क्या बात है, और मैं ऐसे कहूँगा हमारे नागपुर के दूसरे ग्रैंड मास्टर हैं और मेरे ख्याल से कंटिन्यू परफॉर्म कर रहे हैं लगातार 2017 से, कभी यहाँ कभी वहाँ बहुत मेहनत कर रहे हैं और फिलहाल तो बड़ा बिजी शेड्यूल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो पहला सवाल तो यही पूछूंगा कि कोई भी हम काम करते हैं, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, जैसे आप चेस खेलते हैं, शुरुआत बहुत मैटर करती है जी। आपकी शुरुआत कैसे हुई? मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ और मैं घर में सेकंड यंगेस्ट हूँ। तो घर में सर मेरे बड़े भैया लोगों को सिखाने आते थे, तो साथ में मैं भी वही करना चाहता था जो बड़े भाई लोग कर रहे हैं, मैं भी साथ में बैठ के देखता था और धीरे धीरे वैसे इंटरेस्ट आया और वैसे स्टार्ट हुआ। क्या बात है, तो भाइयों के साथ तुम खेलते थे, वो टीचर भी पढ़ाने आते होंगे, तो वो भाई आज बोलते हैं हमने तो तेरे को हराया है, तो उनको क्या बोलते, ऐसे इंसिडेंट होते हैं, वो सर भी आज प्राउड फील करते होंगे जी। मेरे फर्स्ट कोच नैनदीप सर है, मैं उनसे अभी बहुत क्लोज हूँ और बहुत अच्छा लगता है सर। तो भाई बहन क्या बोलते हैं, वो तो अभी भी मतलब उनके लिए तो स्टार, तुम बड़े तो कभी हो गए ही नहीं उनके लिए, वो कैसे टीज करते हैं, वो क्या कहते हैं फिर? वो भी बहुत मजे लेते हैं कि बचपन में क्योंकि उनसे हारता ही था तो सही है, अच्छा लगता है। अभी भी कभी उनके साथ सामना करना पड़ता है, खेलते हो फिर उनके साथ? अभी भी अभी नहीं खेलते, अभी नहीं खेलते, वो कहते हैं अभी नहीं खेलते हम, तो अकेला ही खेल ले भाई। पूरी दुनिया तेरे लिए है। अगला सवाल ही मैं पूछूंगा, बचपन के 4 साल की उम्र से आपकी शुरुआत जो हो गई, और मैं कहूँगा बड़ी अच्छी शुरुआत रही, वो खेल खेल ही में ही सही, आपको आज इतना बड़ा किताब मिल गया, स्कूल में भी जो खेलने का जुनून था वो कायम रहा कॉलेज तक, कि बाद में आपको लगा कि चलो यार इसमें कुछ करते, ये कब हुआ? बचपन से खेलता था और मेरा फर्स्ट नेशनल अंडर 7 था okay. तो मैं उसमें 13th आया था, लेकिन अगर मैं लास्ट राउंड जीतता था तो मैं टॉप 3 फिनिश हो सकता था okay. तो बचपन फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही था तब मैं, तो बचपन से फिर कंटिन्यू रखे थे और अब तक कंटिन्यू ही है। कब आपको ऐसा लगा कि नहीं यार इस गेम को ना अभी थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा, ये अपने को मजा आ रहा है और इसमें अपन कुछ कर सकते? घर वाले भी कई बार मोटिवेट करते हैं कि संकल्प करो करो। आई थिंक 2015 अगस्त में तब नागपुर में नेशनल चैलेंजेस हुआ, राइट और वो टूर्नामेंट में मेरे मैं तब पहली बार स्वयं मिश्रा सर से मिला था, तो वहाँ से रियल ग्रोथ, और उसके बाद मेरे 1 साल के अंदर INOM परफॉर्मेंसेस आए थे, तो वहाँ से रियल ग्रोथ स्टार्ट हुआ था। हमेशा ही लोग अपने पेरेंट्स को क्रेडिट देते हैं, अपने टीचर्स को क्रेडिट देते हैं, जैसे आपने भी अपने सर का नाम बताया जिनके आप बहुत क्लोज, इनके अलावा भी कुछ लोग होते हैं जी, इनका रोल तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन बड़े काम के लोग होते, तो वो कौन से लोग थे जिनका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा? जी जैसे कोचेज और परिवार का तो सपोर्ट था, इसके साथ में एक हर्ष कनौजे एक नागपुर के ही है, वो मेरे बड़े भाई समान है okay. वो टूर्नामेंट्स के टाइम पे इन जनरल भी इमोशनली बहुत मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं, तो उनका साथ में बहुत क्लोज हूँ। ऐसे कहते हैं कि बादाम खाने से दिमाग बड़ा तेज होता है, तो तुम कौन सी चीज़ फॉलो करते हो ताकि फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब 1 सेकंड भी आप चूके या फिर आपका डिसीजन गलत हो गया तो आप गेम से बिल्कुल। तो आप फोकस रहने के लिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे आजकल OTT प्लेटफॉर्म पे ही फोकस करते हैं, तो ऐसे में पढ़ाई में फोकस करना हो, किसी खेल में फोकस करना, तो आप कैसे फोकस करते ताकि उन्हें भी थोड़ा पता चले? मेडिटेशन कर सकते हैं। अच्छा, मेडिटेशन कर, मेडिटेशन करता हूँ और खुद को बस गेम के टाइम पे रिमाइंड करना है कि ये 4 घंटे अभी इम्पोर्टेंट गेम है, अपना 100% देना है, फिर गेम के बाद रिलैक्स कर सकते हैं, लेकिन अभी गेम मैच है, अभी अपना बेस्ट देना है, और उस तरीके से खुद को सेल्फ रिमाइंडर्स। संकल्प जो थे घर पे खेलते थे जी, फिर स्कूल के लिए खेलने लगे, फिर बड़े भी हो गए संकल्प, और फिर ऐसा है कि अपना एक नाम उन्होंने बना लिया,
फर्स्ट टाइम कब रिकॉग्नाइज हुआ कि यार ये संकल्प गुप्ता है, ये चेस खेल, लोगों को कब पता चला? नागपुर में डिस्ट्रिक्ट पे सब तो मेरे अच्छे परफॉर्मेंस रेगुलर चल रहे थे जी, नागपुर और स्टेट में मेरा फर्स्ट ब्रेक थ्रू बोल सकते हैं नेशनल लेवल पे अंडर 15 नेशनल गुजरात में हुआ था 2017 में, मैं वहाँ पे जीता था, तो वो मेरा फर्स्ट मेजर ब्रेक थ्रू था। और उसके बाद में नेक्स्ट ईयर फिर एशियन में ब्रॉन्ज मेडल मिला था, कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडल था, तो वो मेरा फर्स्ट मेजर ब्रेक थ्रू था। तो क्या बात है, तो मैं कहूँगा 2017 जी ये साल जो है हमारे संकल्प के लिए बड़ा खास है, क्योंकि इसी साल ने मेरे ख्याल से संकल्प की गाड़ी का जो गियर है ना वो सीधे पहले से पांचवे में डाल दिया, और संकल्प लगातार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और लोकल हो नेशनल हो सारा मीडिया जो है आज संकल्प को कवर कर रहे हैं। आजकल के बच्चों की मैं बात करूँ तो मैंने शुरुआत में ही कहा कि उनका फोकस थोड़ा अलग है, कई सारे बच्चे चेस खेलते हैं, ऑनलाइन खेलते हैं, ऑफलाइन भी खेलते हैं, आपको दोनों में डिफरेंस क्या लगता है? ऑनलाइन में एक मेजर है चीफ डिफरेंस होता है कि गेम्स जनरली ब्लिट्स ही खेले जाते हैं और वो विदाउट इंक्रीमेंट खेले जाते हैं, जैसे 3 मिनट्स ही सबसे पॉपुलर टाइम कंट्रोल है, तो वहाँ पे फ्लैगिंग जैसे ही बहुत मेजर स्किल होता है, माउस स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऑनलाइन चेस के अपने अलग मज़े हैं, वहाँ पे आप फास्ट खेलते हैं, ट्रिक्स बहुत यूज़ करते हैं, टाइम पे अपने अपोनेंट पे प्रेस करने का ट्राई करते हैं, तो ऑनलाइन चेस के अपने अलग मज़े हैं। संकल्प को किस में क्या खेलने में मज़ा आता है लेकिन, ऑनलाइन की ऑफलाइन? मुझे ऑफलाइन में ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन ऑनलाइन की अपनी जगह है, वहाँ पे आप घर बैठे आराम से खेल सकते हैं, आपको ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना है, राइट वही, तो ऑफलाइन में लेकिन ज़्यादा मज़ा आता है। क्या बात है, मतलब ये भी सोशल मीडिया के फ़ैन हैं, इन्हें भी ऑनलाइन गेमिंग पसंद है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। मैं ये कहूँगा कि कई सारे हमारे अपोनेंट्स होते हैं जिनसे हम कम्पीट करते हैं, कई बार ऐसा लगता है यार ये थोड़ा टफ होगा जी, कई बार थोड़ी हवा भी बना देते लोग, अरे उसने तो इसको हराया उसको हराया, तो तुम्हें कब ऐसा लगा कि जब तुम ये मतलब चल रहा था ये पूरा एक मैं कहूँगा कि एक दौर, तो कब ऐसा समय आया होगा, कौन सा वो अपोनेंट था जिसको तुम्हें लगा थोड़ा टफ है यार मज़ा आ रहा है इसके साथ खेलने? जैसे अभी मैं जिस टूर्नामेंट में मेरा ट्रिप में अभी सर्बियन ट्रिप में मैं जीएम टाइटल कंप्लीट हुआ, तो वहाँ पे रूडिक मकरियन एक रशियन आया था, तो इसके पहले मैं उससे हारा था अंडर 16 वर्ल्ड यूथ जब हुआ था मुंबई में 2019 में, तो वो वहाँ पे खेल रहा था, तो उसके साथ मैं खेलने में बहुत एक्साइटेड था क्योंकि रिवेंज भी लेना था, राइट और वो भी वहाँ पे टॉप सीड्स में ही था, तो उसके साथ मैं बहुत खेलने में एक्साइटेड था। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities। Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। मैं ये कहूँगा कि ये सवाल शायद मैंने थोड़े शुरुआत में पूछ लें, पेरेंट्स का मतलब मॉम डैड वैसे हमेशा ही तुम्हारे साथ होते हैं जी। वो कैसे गाइड करते हैं, वो तुम्हें बताते हैं, तुम उन्हें बताते हो, क्या क्या रोल कैसा रहता है मॉम डैड का? जी, मम्मी पापा का एकदम फुल सपोर्ट है, वो एकदम बोलते हैं कि जैसा मुझे करना है मैं कर सकता हूँ, जो टूर्नामेंट्स प्लान करने हैं जैसा करना है, तो उनका फुल इंडिपेंडेंस रहे और वो फुल्ली सपोर्ट करते हैं। जो मेरे डिसीजन है मैं अपने कोच के साथ बात करता हूँ, वो भी बात करते हैं और वैसे कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि तुम दूसरे हो, हमारे नागपुर में कल्चर कैसा है चेस को लेकर? जी, अभी नागपुर में बहुत अच्छे से रौनक जो फर्स्ट ग्रैंड मास्टर है, फिर दिव्या देशमुख भी अभी वुमेन ग्रैंड मास्टर है, वो भी अपने कैटेगरी में बहुत टॉप प्लेयर है, वर्ल्ड चैंपियन है, तो नागपुर में कल्चर बहुत अच्छे हैं। क्या बात है, और हम दुआ करते हैं कि ऐसे ही कई सारे लोग सामने आए, हमारे शहर को हमारी कंट्री को जो है रिप्रेजेंट करें। विश्वनाथ आनंद का तुम्हें ट्वीट आया, और भी कई सारे लोगों ने तुम्हें ट्वीट की, बहुत सारे लोगों ने बधाई दी, थोड़ा उनके बारे में भी बताओ जी।
अभिजीत कुंटे सर राइट था या फिर जो हमारे एएससीएफ के सेक्रेटरी हैं राइट उनका मैसेज था, फिर एएससीएफ ऑल इंडिया फेडरेशन के प्रेसिडेंट उनका मैसेज आया, तो लोगों के मैसेजेस. जब बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं ना एग्जाम की, तो कुछ बच्चे ना बहुत पढ़ाई में होशियार होते हैं, उनको पता था अपन फर्स्ट सेकंड तो आ ही जाएंगे. तो जब तुम प्रिपरेशन करते हो इन सारी चीज़ों के लिए, तो पता होता है कि बस एक माइंड सेट से जाते हो कि खेलना है बस, जो होगा रिजल्ट बाद में देखेंगे. मेन फोकस तो प्रोसेस पे ही होता है, क्योंकि रिजल्ट तो हमारे हाथ में नहीं है अब. किसी दिन अपोनेंट बहुत अच्छा खेलते हैं, वो उनका बेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो उस दिन हो सकता है रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं हो. तो मेन फोकस तो अपना प्रिपरेशन पे होता है, वहाँ पे जाके अपना बेस्ट देना है, फिर जो रिजल्ट है उससे इम्प्रूव कर सीखना है और इम्प्रूव करते रहना है. दिनचर्या पूछ लेते हैं संकल्प की, क्योंकि गेम ऐसा है कि घंटों लग जाते हैं, आदमी को पता ही नहीं चलता कितना समय हो गया, अरे बाप रे इतना टाइम से मैं खेल रहा. तो संकल्प की दिनचर्या कैसे होती, पढ़ाई कैसे मैनेज करते हो, खेल कैसे मैनेज करते हो, और इस खेल को समय कितना देते हो? जनरली जैसे मैं अभी नागपुर रहता हूँ, तो 6-8 घंटे प्रैक्टिस करने का ट्राई करता हूँ डेली. तो जैसे सुबह उठे, नाश्ता किए, थोड़ा एक्सरसाइज किए, ब्रेकफास्ट किए, फिर अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस किया, फिर टूर्नामेंट्स जो नॉर्मल लाइव चल रहे हैं उनको फॉलो किया, फिर ओपनिंग प्रिपरेशन, थोड़ा ऑनलाइन ब्रिट्स खेला, पजल सॉल्व किए. जनरली ऐसा ही डे होता है. और स्टडीज़ को लेके जनरली मैं एग्जाम्स के पहले ही 1-2 महीने पहले जैसे पढ़ता था, या फिर नया सेशन स्टार्ट हुआ और मैं नागपुर में हूँ, तो इन जनरल थोड़ा क्रैश कोर्स टाइप पढ़ा और फिर एग्जाम के 1-2 महीने पहले स्टार्ट किया प्रिपरेशन. क्या बात है. तो मतलब ऐसा कहना होगा कि हमारे संकल्प जो है 100% डेडिकेटेड है अपने गेम के लिए. थोड़ा अलग पूछते हैं इनको, चेस के बारे में तो सब कुछ ही पता है, तो संकल्प को चेस के अलावा भी कुछ पसंद है? मतलब और क्या करते हैं, और कौन से गेम्स खेलते हैं ऑनलाइन, और कौन से गेम्स खेलते हैं, और क्या क्या पसंद है सबसे खास बात? तो मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है. क्या बात है. रीडिंग हैबिट है. और इन जनरल क्रिप्टो करेंसीज, फाइनेंशियल मार्केट्स को फॉलो करना पसंद है. मतलब शेयर मार्केट में भी भविष्य में कुछ करना चाहते हैं. देखते हैं. अगला सवाल मेरा ये है कि बहुत सारे बच्चे, मैंने शुरुआत में ही कहा कि चेस खेलना चाहते होंगे, तुम्हारी भी एक शुरुआत रही और मैं कहूँगा बहुत सही समय पर रही. उम्र के 4 साल मेरे ख्याल से बहुत सही होते हैं किसी कोई अच्छा स्पोर्ट्स हो या फिर सिंगिंग हो, डांसिंग हो, जैसे आप चेस खेलते हैं तो बहुत ज़रूरी है. जी. तो जो बच्चे करना चाहते हैं कुछ चेस के लिए, मैं बेसिकली बोल रहा हूँ, तो प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, सबसे बेसिकली कि प्रैक्टिस कितने से कितने देर प्राइमरी स्टेज पर होनी चाहिए? जी जब एकदम आप स्टार्ट करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट तब टैक्टिक्स होते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसे 1-move blunders, 2-move blunders देखने को मिलते हैं. राइट. तो सबसे प्राइमरी फोकस तो आपका टैक्टिक्स पे होना चाहिए कि आप टैक्टिकली अलर्ट है और आप अपना बेस्ट दे रहे हैं. फिर और टूर्नामेंट्स खेलने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा खेलेंगे आप उतना ज़्यादा अपने गेम के बारे में समझ पाएंगे कि आपका ये स्ट्रेंथ है, आपके ये वीक पॉइंट्स हैं, और आप फिर उन पे आप किसी कोच के साथ वर्क कर सकते हैं और वैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं. क्या बात है. मतलब अगर आप चेस खेलना चाहते हैं तो सबसे खास बात है छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट्स ज़्यादा खेलें, ताकि आपकी गलती आपको पता चले और आप उन्हें सुधार पाए और फिर आगे बढ़ पाए. कभी ऐसा हुआ कि तुम सोच कुछ रहे थे और कुछ और हो गया और उसका नतीजा फिर भुगतना पड़ा? ऐसा तो बहुत बार हुआ है. एक बार नहीं, इट्स अ गेम. हाँ, कि ऐसा कभी कभी 15-20 मिनट भी एक मूव पे हम सोचते हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन है, कि मैं ये खेलूंगा अपोनेंट ये करेगा. Right. फिर मूव खेलने के बाद देखते हैं कि अपोनेंट का ये मूव मिस ही हो गया और पूरा इवैल्यूएशन बदल गया. तो ऐसा तो अभी भी होता ही है. सबसे लंबा गेम किसके किस अपोनेंट के साथ चला गया, मतलब पूरा टाइम तुमने यूटिलाइज कर लिया? फिर जिब्राल्टर में एक टूर्नामेंट था, वहाँ पे सबसे लंबा टाइम कंट्रोल है मैंने जो आज तक खेला, तो ओके गेम 8 घंटे चला है. अरे बाप रे, 8 घंटे, सोचिए 8 घंटे आदमी सोता नहीं है, गेम ही खेल रहा है. मतलब क्रिकेट से भी लंबा हो गया है, मतलब टेस्ट क्रिकेट हो गया है मैं कहूँगा. और बहुत पेशेंस चाहिए, सबसे खास बात इस 8 घंटे आपको फोकस रहना चाहिए. और जैसे कि संकल्प में होता बहुत सही तरीका है, मेडिटेशन आप करिए, दिमाग को जो है वो शांत रखिए. मैं ये कहूँगा कि म्यूजिक वगैरह भी सुनते हो, फिल्में वगैरह भी देखते हैं कि बस बुक्स वगैरह पढ़ते हैं और नहीं, गेम्स? नहीं, मुझे जैसे डॉक्यूमेंट सीरीज, फिर सीरीज देखना भी पसंद है. गाने सुनता हूँ लेकिन थोड़े कम सुनता हूँ, लेकिन सीरीज देखना ज़्यादा पसंद है, एनीमे सीरीज. क्या बात है, क्या बात. मैं ये कहूँगा हर किसी का ना एक सपना होता है. मेरे ख्याल से तुम्हारे सपने की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन एक मुकाम भी होगा कि जहाँ पर संकल्प को पहुँचना है. तो वो कौन सी जगह है जहाँ संकल्प पहुँचना चाहते हैं? अभी तो धीरे धीरे सबसे पहले 2600 रीच करना चाहूँ जल्द से जल्द. ओके. फिर
धीरे धीरे और गेम इम्प्रूव करना है, 2700 रीच करना है, धीरे धीरे इम्प्रूव करते रहना है। तैयारी क्या शुरू है फिर उसके लिए स्पेशली? अभी ये ट्रिप से जैसे मैंने सीखा कि मैं शायद कैलकुलेट बहुत कॉम्प्लिकेटेड पोजीशंस में थोड़ा गेम मेरा उतना अच्छा नहीं है, तो अभी उस पर वर्क करना है, कैलकुलेशन और इम्प्रूव करना है, ओपनिंग प्रिपरेशन और इम्प्रूव करना है, तो अभी फुल तैयारी करना है। क्या बात है, तो हमारी बहुत बहुत बधाई। मैं कहूँगा कि बहुत ट्रैवल करना पड़ता है एक स्पोर्ट्स पर्सन को, कोई भी खेलो, तो फिर इस सफ़र में कौन साथ होते हैं, मम्मी डैडी या फिर और भाई बहन? आज अभी इस साल से तो अकेले ट्रैवल करना स्टार्ट। क्या बात है। नहीं तो पहले घर से कोई ना कोई, कभी मम्मी, कभी पापा, कभी दीदी, कभी ताई जी से हमेशा कोई ना कोई रहते थे। क्या बात है, एक बहुत लंबा सफर रहा है। मैं कहूँगा जब पीछे पलट के देखते हो, जब पहली बार चेस खेले थे और अब खेल रहे हो, तो क्या लगता है, क्या आता दिमाग में, क्या आता है? ऐसा कभी सोचा तो नहीं इस बारे में। सोचो आज हमने सवाल पूछा है तो। पहले भी ऐसा लगता था कि जीतना है और मजे के लिए खेलते हैं, लेकिन साथ में जीतने की बहुत इच्छा रहती थी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी वैसा ही है कि अभी जो अगले टूर्नामेंट में खेलने हैं, वहाँ पे जाके अपना बेस्ट देने और जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा मैचेस जीतने हैं। क्या बात है, मैं ये कहूँगा कि अगर तुम्हें पूछा जाए कि चेस की डेफिनेशन तुम्हारे लिए क्या है, चेस तुम्हारी ज़िंदगी में क्या मायने रखता है, तो क्या कहोगे? चेस ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, जैसे बचपन से खेल रहा हूँ और आज तक वही मैं बोलूँगा शायद अपना आधा समय उस पर ही दिया हूँ, तो बहुत मायने रखता है। बहुत सारी चीज़ें भी सिखाई है, जैसे टाइम मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग। राइट, तो बहुत मायने रखता है। तो असल लाइफ में भी संकल्प इतना ही कूल और उतना ही शांत है जितना आज स्टूडियो में है या खेल खेलते वक्त होता है, या थोड़ा डिफरेंट है फिर? जनरली भी ऐसे रहता हूं। क्या बात है, तो चलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो भी आप भविष्य में अचीव करना चाहते हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं, आपको ज़रूर वो सारी की सारी चीज़ें जो है जो मिले। और बहुत व्यस्त है संकल्प, सबसे खास बात, क्योंकि अभी कल ही लौटे हैं मेरे ख्याल से, और लोग इन्हें घेर कर रखे हुए हैं, लोगों से मिलना है, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, हम जैसे मीडिया वाले हो, तो सबसे मिल रहे हैं, मुखातिब हो रहे हैं। तो संकल्प बहुत बहुत धन्यवाद कि शॉर्ट नोटिस पर तुम आए और हमसे इतनी सारी बातें की, और आई होप हमने बहुत सारे अलग अलग पहलू आज संकल्प की ज़िंदगी के देखे। सो थैंक यू सो मच यहाँ पर हमारे साथ आने के लिए, और तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत बधाई। सर आपने बुलाया उसके लिए थैंक यू, और थैंक यू सो मच सर। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं जो बच्चे चेस खेलना चाहते हैं, कोई ड्रीम अचीव करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से ज़रूर संकल्प के बारे में जानकर जो है वो ज़रूर अपनी ज़िंदगी में भी कुछ बदलाव ला पाए। किसी भी चीज़ को करने के लिए थोड़े पेशेंस ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी। आजकल के बच्चे व्हाट्सअप की मैसेज की तरह सब फास्ट करना चाहते, तो इतना आसान होता नहीं। ग्रैंड मास्टर बनने के लिए भी एक लंबा सफ़र संकल्प ने तय किया। आशा करते हैं आज का प्रोग्राम आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप GTPL या फिर ACN केबल नेटवर्क पर यह प्रोग्राम देख रहे हैं, तो हम फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब पर अवेलेबल है। आप हमें लाइक, शेयर ज़रूर कर सकते हैं, और अगर संकल्प के लिए कोई मैसेज हो तो नीचे मैसेज बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं अमोल आप लोगों से विदा लेता हूँ। आप लोग देखते रहिए VKB News।